हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं अंबेडकर नगर के बहुत ही प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट है जो रामनगर आलापुर क्षेत्र में पड़ता है, जिसका नाम चौड़ा घाट है। और संडे के दिन लगभग यहाँ पे मेला लगता रहता है। तो आज हम संडे के दिन आए हैं और यहाँ का व्यू देख सकते हैं जो मेले का है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और बगल में देख सकते हैं दादाजी, मतलब जो नाई हैं। अगर आप मुंडन वगैरह करवाना चाहते हैं बच्चे का या खुद का करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे करवा सकते हैं। ऐसे मतलब लोग बैठे रहते हैं। और मेले की शान अगर कही जाने वाली चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पे जलेबी आपको मिल जाएगी गर्मा गर्म, और कलरफुल है जलेबियाँ। तो मेले में तो शायद हमको दो ही चीज़ बहुत फेमस होती हैं, एक चाट हो गए और दूसरी जलेबियाँ हो गई। तो मेले की रौनक बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये पुराना वाला मंदिर है, ये बहुत साल पुराना है। अंदर की जो मंदिर आप गुंबद देख रहे हैं ये तो थोड़ी जर्जर कंडीशन में है। इसका नवनिर्माण कार्य चल रहा है, मतलब एक साइड से कार्य चालू है। और बाकी ये पुराने गेट का जो डिज़ाइन देख सकते हैं पत्थरों से बनाया गया है, ये कई सौ सालों पुराना है, पता नहीं किस टाइम का बना हुआ है। और आज भी देख सकते हैं गांव में गाइस, तो ऐसे ही आपको मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे, जो गुल्लक वगैरह मिल जाएंगे, और छोटी छोटी दुकानें मेले में मिल जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड, मतलब बहुत ही भीड़ है, मतलब संडे के दिन आज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और दूसरी बात यह है कि गर्मी भी बहुत है गाइस, और इस टाइम जो टेम्परेचर है लगभग 40-42 चल रहा है। और हवा के साथ है यहाँ नदी के किनारे जो बालू होता है, रेत होता है, वो भी उड़ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी आपको ये रेत वाली जलेबियाँ मिल जाएंगी, और देख सकते हैं यहाँ पे जलेबियाँ बनाई जा रही हैं। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अभी हम चल रहे हैं यहाँ से कुछ पीते हैं ठंडा ठंडा। तो भाई साहब बना रहे हैं नींबू पानी और मैंगो शेक, और फिर बेल का रस भी पिला रहे हैं। तो हम लोग बेल वाला पीते हैं क्योंकि ये इसका बैकअप ज़्यादा होता है और काफ़ी टाइम तक ठंडा रहता है। तो आप एक और मंदिर देख सकते हैं, ये भी काफ़ी पुराना मंदिर जो सामने देख सकते हैं। और बाकी इधर का व्यू है ऊपर, आप सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं पूरब साइड। तो यहाँ पर एक ब्रिज है बहुत पुराना, और उसी के पास पुराना मंदिर शिव मंदिर है। बाकी जलेबी की दुकानें जो भी हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे आने के बाद इधर देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम से खाली स्थान पड़ा हुआ था, तो अभी यहाँ पर भी एक मंदिर का नव निर्माण हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनके। और थोड़ा सा नदी के साइड चलते हैं, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। जो नदी का धारा है काफ़ी दूर चला गया पानी का। तो बाकी धूल जो है गाइस देख सकते हैं एकदम पूरा भरा पड़ा है, मतलब बालू बालू हो रखा है। और मैं तो स्लीपर पहन रखा हूँ, तो जो धूल मिट्टी है पैरों पर आ रहा है ना, तो जल रहा है पैर, क्योंकि धूल काफ़ी गर्म हो चुका है धूप की वजह से। तो देख सकते हैं नदी लगभग यहाँ से इस किनारे से 500 मीटर अंदर की तरफ है, मतलब अपोजिट साइड, आपको उस साइड जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए। और गर्मी काफ़ी विकराल रूप में है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाएंगे अगर ठीक ठाक मौसम रहा, लेकिन गर्मी बहुत, मन नहीं हो रहा जाने का। और बाकी आप देख सकते हैं आज संडे के दिन काफ़ी लोग स्नान करने आए हैं। हिंदू धर्म में गंगा मैया को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है। और कुछ वृक्ष देख सकते हैं सूख गए हैं, ये काफ़ी पुराने वृक्ष हैं। और बाकी देख सकते हैं जो गाड़ियां अंदर से आ रही हैं, देख सकते हैं कितना धूल कितना बालू उड़ रहा है। और आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पर कढ़ाई वगैरह चढ़ाई जा रही है, पूड़ियाँ छन रही हैं। तो जिसकी मान्यता वगैरह होती है पूड़ी चढ़ाना या फिर ऐसे ही पूजा पाठ, वो लोग आते हैं, कथा अर्चना होता रहता है यहाँ पे। और देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनका मुंडन वगैरह माना जाता है इस घाट पे, और मुंडन करवाया जाता है। बाकी जो मेले का व्यू है आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है। तो हमें भी प्यास लगी है, फिर से हम लोग खाते हैं आइसक्रीम कोन वाला। तो देखते हैं भाई साहब ये कितने में दे रहे हैं। आइसक्रीम खाने के बाद क्या पता थोड़ा सा ठंडक मिले और आराम मिले। तो भाई साहब ये दे रहे हैं एक कोन 10 रुपये का, देख लो गाइस कितना सस्ता है। दस रुपये का कहीं मिलेगा नहीं गाइस, बहुत ही खूबसूरत इस पर रेड कलर का चेरी लगा के दे रहे हैं। हम थोड़ा सा खाएंगे और आप भी खा लीजिए। तो गाइस 10 रुपये में हमारा आइसक्रीम रेडी है, और हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि इतनी धूप है तो टहलना अपने बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रहा है। तो गाड़ी की तरफ चलते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।